हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल टूर। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल के बारे में। यूँ तो हर तारीख का इतिहास के पन्नों में कुछ खास महत्व होता है। भारतीय रेल का इतिहास 168 साल पुराना है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेज़ों के शासन काल से हुई। सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच में। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया। इंडियन रेलवे एशिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे को संचालित करती है। इंडियन रेलवे भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन भी है। लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार देकर इंडियन रेलवे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कॉमर्शियल एम्प्लॉयर है। भारतीय रेलवे रोज़ाना 2.5 करोड़ लोगों को यात्रा कराती है, जो कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के पॉपुलेशन के बराबर है। इंडियन रेलवे की ट्रैक लेंथ 1,15,000 किलोमीटर है, जो अर्थ के सर्कमफेरेंस के 1.5 गुना है। इंडियन रेलवे में 2 तरह के कोचेज हैं, एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, एक LHB लिंक हॉफमैन बश। फ्रेंड्स, ट्रेन 2 तरह के हैं। एक होती है पैसेंजर ट्रेन, जिसमें हम सफ़र करते हैं, और एक होती है मालगाड़ी, जिससे सामान लाया जाता है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बात करें तो यह 4 इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से चलाई जाती है। इसकी लंबाई 2800 मीटर है और यह एक मालगाड़ी है। इसे शेषनाग नाम दिया गया है। यह भारत के इतिहास में चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन है। आइए जानते हैं भारत। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बनाई गई है। यह एफिल टावर से भी लंबी है। ओटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन सबसे धीमी गति में चलती है। यूपी के गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। दूसरे नंबर पर वंदे भारत एक्सप्रेस और तीसरे नंबर पर न्यू दिल्ली भोपाल शताब्दी है। सबसे लंबी रूट में चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत के कुछ बड़े और बिजिएस्ट रेलवे जंक्शंस के नाम। हावड़ा जंक्शन 23 प्लेटफॉर्म्स, सियालदह जंक्शन 20 प्लेटफॉर्म्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 18 प्लेटफॉर्म्स, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म, चेन्नई सेंट्रल 15 प्लेटफॉर्म्स। फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे में कोच 2 तरह के होते हैं, एक ब्लू कोच, एक रेड कोच। ब्लू कोच को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं। यह चेन्नई में मैन्युफैक्चर किया जाता है। यह लोहे से बना होता है, इसलिए हैवी होता है। इसमें एयर ब्रेक्स यूज़ किया जाता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसमें सिटिंग कैपेसिटी कम होती है, स्लीपर में 72, थर्ड AC में 64। LHB कोच के मुकाबले या 1.7 मीटर छोटी होती है लेंथ में। एक्सीडेंट के समय इसके डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ड्यूअल बफर सिस्टम की वजह से। रेड कोच को लिंक हॉफमैन बश बोलते हैं। यह जर्मनी से भारत लाया गया था 2000 में। यह स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, हल्की होती है। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। इसमें सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, डिस्क ब्रेक लगे होते हैं। इसमें स्लीपर में 80 सीट्स होते हैं, थर्ड AC में 72 सीट्स होते हैं। एक्सीडेंट के समय डिब्बे एक के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, CBC सिस्टम की वजह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।